स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में अपने डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में सिंपल तरीके से आप कंट्रोलों करके आप अपने फोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम, तो हमें सिस्टम पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है चौथे नंबर पे डेट एंड टाइम, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट टाइम ऑटोमेटिक अगर करना है तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना। तो गाइस आपका जो डेट एंड टाइम है वो आपको ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ करना होगा। यहाँ पर आपको डेट पे क्लिक करना होगा, जितनी डेट है आपकी आपको इस तरीके से उस पर इससे क्लिक कर देना है। इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है, तो आपको जितना टाइम सेट करना है यहाँ से इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाता है सबसे नीचे ऑप्शन 24 यूज 24 और फॉर्मेट के। आप फोन में अपने 24 और वाला 24 घंटे वाला टाइम भी यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे ऑन कर देंगे। तो गाइस आपके फ़ोन में जो 1-2 बजते हैं तो आपके फ़ोन में 1 नहीं 13-14 इस हिसाब से बजेंगे। अगर आपको ये टाइम अपना नहीं करना, आपको 12 घंटे वाला करना है तो आपके इस ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आप यहाँ से 24 घंटे 12 घंटे वाला कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके फ़ोन में अब 1 जो बजता है वो 1 ही बजेगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।